एक वेश्या की कहानी जिसकी जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश है कि वो हरे भरे खेतों में सांस ले सके। हम अक्सर अपनी जिंदगी से परेशान होकर कह देते हैं नरक हो गई है जिंदगी, फिर भी हम बहुत खुश नसीब हैं। कम से कम हम उन लोगों से तो ज़्यादा खुश नसीब हैं जो नरक में ही अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वेश्या की जिंदगी से बदतर किसी की भी जिंदगी हो सकती है क्या? एक वेश्या को अंधेरे में ही पूरा जीवन बिताना पड़ता है। कुछ वेश्याओं को तो खुली हवा में सांस लेने की भी इजाज़त नहीं। बाहर की दुनिया देखने की चाहे कितनी ही भी इच्छा क्यों ना हो, पर अंधेरे के अलावा उनकी किस्मत में और कुछ नहीं होता। वैशाल्य में औरत का सिर्फ जिस्म कैद नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी पर ही एक बंदिश लग जाती है। बहुत वक्त बीत गया, पर मैं आज भी हरे भरे खेतों में घूमना चाहती हूँ। मैंने कभी हरे खेत नहीं देखे, पर सच्ची बहुत मन करता है देखने का। मैं बीमार हूँ, बंद दरवाजों के पीछे सांस लेने में मुझे तकलीफ होती है। मैं हंसते हंसते रोने लगती हूँ, इस पर मेरा जोर नहीं है। मेरी अम्मा को इससे दिक्कत हो रही है, अम्मा यानी कि हमारी मैडम। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। मैं सिर्फ हंसूंगी और आंसू नहीं बहाऊंगी। मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बहुत छोटी थी, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं यहाँ सांस नहीं ले पाती। मेरे पास घर की कोई याद नहीं है, और न ही आंखें बंद करने पर मुझे किसी का चेहरा दिखाई देता है। बहुत अकेला महसूस करती हूँ। दूसरी लड़कियाँ भी यही कहती हैं कि उनका कोई अपना नहीं है, पर मैं खुद से कहती हूँ कि मेरा कोई तो अपना होगा, शायद माँ या पिता या कोई रिश्तेदार, पर मुझे कोई भी याद नहीं आता। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर कोई भी चेहरा जहन में नहीं है। जब भी मैं रोने लगती हूँ तो मेरी दोस्त प्रियंका मेरे आंसू पोंछती है ताकि मेरा मेकअप खराब ना हो। वो हमेशा कहती है कि मेकअप की कीमत आंसुओं से ज़्यादा है। उसने मुझसे वादा किया है कि एक दिन वो मुझे हरे खेतों में ले जाएगी जहाँ मैं खुली हवा में सांस ले सकूँगी। मुझे उम्मीद है कि उस दिन आंखें बंद करने पर मुझे किसी अपने का चेहरा दिख जाए। सिर्फ एक बार मैं जिंदगी में किसी के साथ होने के एहसास को महसूस करना चाहती हूँ। किरदार का नाम रुखसाना है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि रुखसाना की जिंदगी की यह इच्छा कभी पूरी भी हो जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।